अगर सब कोई बच्चे उपवास करते रहेंगे, बच्चे को भय ही नहीं होगा, तो शिक्षा लेने कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, सभी बच्चे गधे घोड़े बराबर एक जैसे हो जाएंगे। ये बिल्कुल सरासर गलत है कि यदि हम बच्चों को बच्चा अगर सब कोई बच्चे उपवास करते रहेंगे तो उसको बच्चे को भय ही नहीं होगा, तो बिना उसका कोई उसकी शिक्षा लेने कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, सभी बच्चे गधे घोड़े बराबर एक जैसे हो जाएंगे। भाई एक तो मेहनत करने वाला बच्चा पास हो रहा है और एक जो स्कूल नहीं आ रहा वो भी बिना बैठे पास हो रहा, तो वो गलत है ना। तो गवर्नमेंट की ये जो नीति थी वो गलत थी कि हर बच्चे को पास किया जाए। हाँ, बच्चों को अगर हम रोक नहीं लगाएंगे तो बच्चा आगे जाके 10वीं क्लास का रिजल्ट खराब करेगा, आगे जाके क्या कर पाएगा बच्चा वहाँ पर। तो इसलिए ये बिल्कुल गलत है कि उस पर बैन लगाया जाए कि सभी बच्चों को पास आउट नहीं किया जाए, जो बच्चे लायक हैं, जो बच्चे को सप्लीमेंट्री दिया जाए या उसको अनुत्तीर्ण किया जाना जरूरी है। ये बिल्कुल गलत बात है कि ज़्यादा हाई फाई स्कूल होना या ज़्यादा हाई होना, हाँ अच्छा मैनेजमेंट अच्छा हो, अच्छा डिसिप्लिन हो, तो अच्छे स्टाफ हो, अच्छा मैनेजमेंट हो, तो वो क्या नाम से अच्छी पढ़ाई दे सकते हैं। और जहाँ चाहे महंगा स्कूल कितना भी हो, लेकिन माँ अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है या डिसिप्लिन नहीं है, तो वो अनुशासनहीनता है, तो वहाँ कोई मतलब पढ़ाई कोई वैल्यूज नहीं है। मीडिया अच्छा कार्य कर रहा है हमारी तरफ से देखते हुए, और हम स्कूल वालों का कुछ सजेशन भी देते हैं, सजेस्ट भी करते हैं उनके बारे में, उनके अच्छे विचार हैं, कुछ बुरे विचार भी हैं, कि कुछ बुरे विचार इसलिए हैं कि वो लोग हमारी बुराइयां कर रहे हैं, मतलब कि जैसे आज ही कल ही न्यूज़पेपर में आया कि भाई आपने कल वो किया था कि स्कूल वाला फीस नहीं ले सकता, बच्चों को पेरेंट्स दबाव नहीं डाल सकता, तो वो गलत है। क्योंकि मीडिया वालों को इस बात को उठाना चाहिए कि ये जब फीस के लिए हम बोलेंगे नहीं तो किसको बोलेंगे, पेरेंट्स को नहीं, बच्चों को नहीं उसका रिमार्क डालेंगे, तो फिर हमारी फीस कैसे रिटर्न हो पाएगी। ना पेरेंट्स को फायदा है ना स्कूल को फायदा है, स्कूल को तो बिल्कुल भी फायदा ही नहीं है, क्योंकि हर पेरेंट्स को चॉइस पेरेंट्स मजा ले रहा है, जो सपने कहाँ कहाँ के सपने देख रहा है पेरेंट्स, और उसका फायदा ये उसका ये, क्योंकि इतनी चॉइस कर दी गवर्नमेंट ने कि वो पेरेंट्स क्या 10 स्कूल को अगर 20 स्कूल चूज करता है, अब 20 स्कूल चूज करेगा तो वो कहाँ से उसको बेनिफिट मिल पाएगा, ना तो स्कूल वालों को बेनिफिट मिलेगा, वो पेरेंट्स परेशान इसलिए पजल रहता है कि वो अगर यदि एक दो स्कूल को चूज करे तो वो स्कूल वाले परेशान नहीं हो, और प्लस वो जो पेरेंट्स है वो भी परेशान भी नहीं हो। जी सर, देखो हम ऐसा नहीं करते हैं, हम पूरा बच्चों को हर तरह से प्रेम से प्यार से हर गेंद के इन प्रकार उसको समझाने की कोशिश करते हैं, उनको समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं, उनको प्यार से स्नेह से उनको हम समझाते हैं, अपने पास में लाते हैं, करीब लाते हैं, हम मिसबिहेव नहीं करते बच्चों के साथ में, और बच्चा प्रेम से ज़्यादा अच्छा ज़्यादा समझ पाता है। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएंगे कि अगर ऐसा कोई है तो हम बिल्कुल जरूर दिखाएंगे, क्योंकि अगर उसे सीखने को भी हमको मिलता है, वो कोई भी चीज़ हो, चाहे किसी से भी किसी के माध्यम से हो, चाहे मीडिया के माध्यम से हो या न्यूज़पेपर के माध्यम से हो या किसी पर्सनल कोई व्यक्तिगत कोई हो, तो ज़रूर दिखाएंगे। अगर मुझे कोई चांस मिलता है तो मैं बच्चों के हित में, समाज के हित में ऐसा मैसेज दूंगा जिसके द्वारा हमारे जो समाज में नग्न जो अवस्थाएं आ रही हैं आजकल, जो गंदी संस्कृति के प्रति दिखाया जा रहा है, जो आज फिल्मों में देखने लायक, अगर बच्चा और पेरेंट्स अगर बैठे साथ में तो वो उसको उस पिक्चर को देख नहीं सकते।